Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning mathematics by Brain Root series. And here's a book. The name of a book is Mathematics Whirlwinds. And this is book primer. Today we will start with a new chapter. And this is chapter number 10 of your book. And the name of the chapter is Subtraction. So, in the previous chapter, we have learned about addition when we add so many things, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक और चीज को हमने डाल दिया, तो क्या कहते हैं उसे? Addition कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे subtraction. बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हमने एक चीज को निकाल दिया, तो इसे कहते हैं subtraction. To take away means to subtract. किसी चीज को किसी में से निकाल देना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 टॉफी है, उसमें से मैंने एक टॉफी खा ली, तो अब मेरे पास कितनी टॉफी बची है? तो मैंने क्या किया, उन 5 में से 1 को हटा के बची है मेरे पास 4 टॉफी. सो 4 आई हैव रिटन. सिमिलरली आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें एक ब्रांच पे कितनी बर्ड्स बैठी हैं? 1, 2, 3, 4. 4 बर्ड्स बैठी हैं. 2 बर्ड्स फ्लू अवे. अब इन 4 बर्ड्स में से जो 2 बर्ड्स हैं वो उड़ के चली गई. नाउ वी हैव टू काउंट हाउ मेनी बर्ड्स आर रिमेनिंग. तो जब 2 बर्ड्स चली गई तो कितनी बची? 1, 2, 4 बर्ड्स थी, उसमें से 2 चली गई. तो जब हमने 4 में से 2 को हटा दिया तो बची हैं सिर्फ 2 बर्ड्स. सो वी हैव रिटन हियर 2. Now let's do this exercise. We have to count and write the correct number in each box. हमें count करना है और जो सही number है उसे box में लिखना है. तो आप देखो कितने सारे यहाँ पे small small cute cute puppies है ना. तो अभी देखते हैं कितने puppies हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितनी पपीज हैं? 7 पपीज. तो चलिए जल्दी से यहाँ पे हम लिख देते हैं. अब इन 7 पपीज में से 2 जो है चले गए. कितने चले गए? 1, 2. तो 2 पपीज यहाँ से चले गए. अब 7 में से 2 चले गए तो कितने पपीज बचे? लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5. So there are total 5 puppies remaining. Next, यहाँ पे एक बुक शेल्फ है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं. कौन कौन सी बुक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल कितनी बुक्स हैं? 7 बुक्स हैं. अब क्या हुआ, इन 7 बुक में से मैंने 1 और 2 बुक्स निकाल ली. तो जब हमने 2 बुक्स को निकाला तो कितनी बुक्स बची? लेट्स काउंट अगेन. 1, 2, 3, 4, 5. टोटल बची 5 बुक्स. तो जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से हम कुछ चीज़ों को निकाल देते हैं, इसे ही कहते हैं सब्ट्रैक्शन. नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट विथ 0. 0 को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? So when 0 is subtracted from any number, जब 0 को subtract किया जाता है किसी भी number में से, the number remains the same. Number क्या रहता है? Same रहता है, change नहीं होता है. When a number is subtracted from itself, we get 0. जब किसी number को खुद से ही subtract किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? एक 0 मिलता है. सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं आसमान में एंड काउंट करते हैं कितने एरोप्लेन्स हैं. सो यहाँ पे हैं टोटल 1, 2, 3, 4. 4 एरोप्लेन्स हैं. ओके, अब देखते हैं कितने एरोप्लेन्स को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ तो एक भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे है 0 एरोप्लेन. अब क्योंकि हमने 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हमारे पास चीज़ें कम हो जाएंगी? हमने तो एक भी एरोप्लेन हटाया ही नहीं है, तो कितने एरोप्लेन बचे? 1, 2, 3, 4. टोटल 4 एरोप्लेन्स बच गए.
नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ बलून्स हैं, लेट्स काउंट देम. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने बलून हैं? 6 बलून हैं. अब इन 6 बलून में से हमने कितने कितने जो है हटा दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 थे और सारे के सारे क्या हो गए? फट गए. तो अब इन बलून्स को, जो 6 बलून थे वो सारे ही ख़त्म हो गए. तो हमारे पास कितने बलून बचे? 0. एक भी बलून नहीं बचा. सो वी विल राइट हियर 0. तो जब किसी भी नंबर में से 0 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है. अब किसी भी नंबर में से अगर वो सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 6 काटा तो 0 आएगा, 4 में से 4 कट करेंगे तो भी 0 आएगा, 14 में से 14 कट करेंगे तो भी यहाँ पे 0 आएगा. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में से 0 को कट करेंगे तो वही नंबर आंसर आएगा, और किसी दो नंबर्स को जो सेम हैं उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 0. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. 5 में से 0 को अगर हम कट करेंगे, हमारे पास 5 टॉफीज हैं और हमने एक भी नहीं खाई, तो हमारे पास कितनी टॉफी बची? 5. ऐसे 6 में से हमने एक भी नहीं खाई तो बची 6. 9 में से एक भी नहीं खाई तो बची 9. 4 में से 4 खा गए, 4 ट्रॉफी थी और सारी खा गई मैं, कितनी है? कितनी दिख रही है आपको? 0. 8 में से 8 कट की तो कितने बचे? 0. 3 में से 3 कट किए तो कितने बचे? 0. सो चिल्ड्रेन, दीज 4 क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ, खुद से आप करेंगे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now let's learn vertical subtraction by drawing a crossing line. So crossing line को कैसे draw करके हम जो है subtraction कर सकते हैं. So let's see. यहाँ पे एक number दिया है 7. अब 7 आपके पास number है जिसमें से 4 को आपको cut करना है. तो हमने क्या किया? पहले हमने 7 lines draw की. जो bigger number है उतनी lines बनानी है, and अब जो ये नंबर है 4, उतनी लाइंस को हमने यहाँ से कट कर दिया. जो बची हुई लाइन है उन्हें हम काउंट करेंगे. कितनी बची हुई है? 1, 2, 3. सो 3 हमारा आंसर है. तो चलिए बाकी एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर निकल के आता है. यहाँ पे जो बिगर नंबर है वो है 8. तो 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसमें 8 में से हमें कितने नंबर्स कट करने हैं? ओनली 1. तो 1 को हमने कर दिया कट. अब काउंट करेंगे बचे हुए नंबर्स को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो 7 इज द आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 नंबर्स हैं. अब इस 6 में से 2 नंबर्स को हमें कट करना है, तो कट करते हैं 1, 2. तो जब हमने 2 नंबर्स को कट किया तो कौन कौन से नंबर बचे? 1, 2, 3, 4. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब 7 में से हम 5 लाइंस को कट कर देंगे. तो हमने 5 लाइंस को कट कर दिया, कितनी लाइंस बची? 1, 2. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 4 लाइंस है, 1, 2, 3, 4. अब इस 4 में से हमने 3 को कट कर दिया तो कितनी लाइंस बची? 1. So we will write here 1. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lines draw ki. Ab isme se 2 ko cut kar di. Ab count karte hain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kya bacha? 6. Next hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ab is 9 mein se 3 lines ko cut kar dete hain. Cut kar diya. Kitni bachi? Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. To answer is 6. So these questions, children, you have to do yourself like we have done the above one. So these also you have to draw the lines and then you have to cut these many numbers and then write down the answer. Next is horizontal subtraction by drawing and crossing line. अब हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? वो तो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन था जिसमें एक के नीचे एक नंबर लिखा होता है. हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन में नंबर जो है सामने सामने लिखे होते हैं. तो हमें क्या करना है? बिगर नंबर जो है 6,
तो 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, स्मॉलर नंबर है 3, तो 3 लाइंस को इसमें से कट करेंगे, जो बचे हुए हैं 3 वो है हमारे आंसर। सो आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस एक्सरसाइज को। 5 लाइंस ड्रॉ करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 कट कर दी, कितनी लाइंस बची, 1 2 3, सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 में से हमने 1 लाइन कट कर दी, कितनी लाइंस बची, 7। अगेन 3 लाइंस ड्रॉ करनी, 1 2 3, जिसमें से 2 कट करेंगे, कितनी लाइन बची, 1। अगेन 1 2 3 4, जिसमें से 2 कट कर दी, बची 2। सिमिलरली 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड इसमें से 2 कट करेंगे, आंसर इज 4। अगेन 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब उसमें से हम कट करेंगे 7 लाइंस, तो कितनी लाइंस बची, 1 2, सो वी विल राइट 2 हियर। सो सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें भी ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज स्टोरी सम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। अब हम कुछ स्टोरी सम्स पढ़ेंगे। सो देयर वर 6 रैबिट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट देयर वर 6 रैबिट्स, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 इन आ जंगल, तो जंगल में 6 रैबिट्स थे, 3 रैबिट्स रैन अवे, जिसमें से 3 रैबिट्स जो है भाग गए। सो पूछ रहा है हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट इन द जंगल, तो 6 थे जिसमें से 3 भाग गए, तो आंसर आया 3, तो 3 रैबिट्स बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 10 बनानास इन अ बास्केट, एक बास्केट में 10 बनानास हैं, एंड 7 बनानास आर ईटन बाय अ मंकी, जिसमें से 7 जो है एक मंकी खा जाता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7, तो 7 मंकी ने खा लिया। आप पूछ रहे कि हाउ मेनी बनानास आर देयर इन द बास्केट, बास्केट में कितने बनाना बचे हुए हैं, तो कितने बचे हुए हैं, 1 2 3, तो 10 बनानास थे जिसमें से 7 जो है मंकी ने खाया, तो आंसर आया 3। 10 लाइंस ड्रॉ की हमने, अब 10 में से हमने 7 लाइंस को कट कर दिया, आंसर आया 3। क्लियर। नेक्स्ट है देर आर 8 बलून्स इन अ स्काई, एक स्काई है जिसमें 8 बलून्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस 8 बलून में से 5 बलून बर्स्ट हो गए, फट गए, तो हम इन 8 में से 5 बलून्स को हटा देते हैं, कितने बलून्स बच गए, 3, सो 8 माइनस 5 इज 3, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस exercise. Similarly, do these questions. Next is subtraction of 2-digit number. कैसे 2-digit number को subtract करते हैं? तो children, जैसे हमने addition सीखा था 2-digit number का, वैसे ही हमें subtraction भी करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 में से 24 को cut करना है. तो हम 65 lines तो नहीं draw कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, पहले ones place को करेंगे, फिर tens place को subtract करेंगे. तो वंस प्लेस पे नंबर है 5, तो हमने 5 लाइंस ड्रॉ की एंड देन इसमें से हमने 4 लाइंस को कट कर दिया, तो आंसर आ गया 1। सिमिलरली अब हम 6 और 2, तो 6 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसमें से 2 लाइंस को कट कर देंगे, आंसर आएगा 4, सो द टोटल आंसर इज 41। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है प्लेस वैल्यू मेथड से। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, उन्हें जल्दी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, तो 1 2 3 4 5, इसमें से हमने 4 कट कर दिए, तो आंसर विल बी 1। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3, अब 3 में से 1 कट कर दिया, तो आंसर विल बी 2। So what is the final answer? Final answer is 21. Similarly, 8 में से हम 7 को, 8 में से हम 5 को कट करेंगे, so 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें से हमने क्या किया, 5 लाइंस को कट कर दिया, आंसर इज 3। सिमिलरली 7 है, तो 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
अब इसमें से 3 9s को कट कर दिया, आंसर विल बी 4. नेक्स्ट 8 है तो 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसमें से 2 लाइंस को कट कर दिया, आंसर इज 6. सिमिलरली 1 2 3 3 में से 1 को कट कर दिया, आंसर इज 2. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट 7. सो 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. इसमें से हमने कट किए 5 लाइंस को, आंसर विल बी 2. नेक्स्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. उसमें से 1 कट किया, आंसर इज 7. नेक्स्ट 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड इसमें से 3 कट किया, आंसर इज 2. सिमिलरली 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसमें से 2 कट किया तो आंसर इज 1. सो द आंसर विल बी 1 2 12. सो सिमिलरली क्या करना है चिल्ड्रेन, आपको जो बाकी क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं दैट यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग. कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 3-डिजिट नंबर को? अभी तक हमने 2-डिजिट पढ़ा है, अब हमें क्या करना है 3-डिजिट पढ़ना है. तो हमने क्या किया था, एडिशन में भी सेम किया था, हमने 3-डिजिट नंबर्स वहाँ पे भी ऐड किए थे. तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी यूज़ करना है. हमें जो है पहले 1s प्लेस को करना है सब्ट्रैक्ट, फिर 10s प्लेस को करना है सब्ट्रैक्ट, और फिर हम जाएंगे 100 प्लेस पे. तो 1s प्लेस पे है 2 - 1, तो 2 में से 1 माइनस के आंसर इज 1. नेक्स्ट है 8 - 7, तो हमने 8 फिंगर्स खोली एंड इसमें से हमने माइनस किया 7, तो कितनी फिंगर बची, 1. नेक्स्ट है 3 फिंगर खोली, इसमें से हमने बंद कर दिया है 2, कितना बचा, 1. सो द आंसर इज 111. सिमिलरली 2 में से हमने 1 को कट कर दिया तो आंसर इज 1. 9 फिंगर्स खोलेंगे एंड इसमें से 7 को हमें क्लोज करना है, तो 4 5 6 7, कितने बचे, 2. सिमिलरली 2 फिंगर खोली, इसमें से 1 को मैंने क्लोज कर दी, कितनी फिंगर बची, 1. सो 121 इज आंसर. नेक्स्ट 8 है तो 8 फिंगर्स खोलते हैं, चलो 8 फिंगर्स खोल दिए. अब इस 8 में से हमने 4 को क्लोज कर दिया, तो ये रहे 4 फिंगर्स क्लोज हो गए, कितने फिंगर्स बचे, 4. सो लेट्स राइट हियर 4. अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 है, उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 गया 1, तो कितने बचे, 0. सिमिलरली 7, तो 7 फिंगर्स खोलेंगे, उसमें से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने 3 1 कर दिए, कितने बचे, 4. सो आंसर इज 404. सिमिलरली 9 में से हम 5 को कट करेंगे, तो 9 फिंगर्स हमने खोले, उसमें से हमने 5 को बंद कर दिए, कितने बचे, 4. यहाँ पे भी 9 में से 7 कट किया तो आंसर आया 2, एंड अगेन 9 में से 6 कट किया तो आंसर आया 3. आंसर इज 324. नेक्स्ट 5 में से 4 कट किया, आंसर आ गया 1. 2 में से 1 कट किया, आंसर आया 1. 4 में से 3 कट किया, आंसर आया 1. 111. नेक्स्ट है 8 में से 4 कट किया, आंसर आया 4. 6 में से 2 कट किया, आंसर आया 4. और 5 में से 3 को कट किया, आंसर आया 2. सो 244. नेक्स्ट है 6 में से 4 कट किया, आंसर आया 2. अगेन 4 में से 2 कट किया, आंसर आया 2. एंड 5 में से 3 कट किया, आंसर आया 2. सो द आंसर इज 222. नेक्स्ट 3 में से 2 कट करेंगे हम तो आंसर विल बी 1. 8 में से 7 कट करेंगे, आंसर विल बी 1. एंड 7 में से 3 को कट करेंगे तो आंसर विल बी 4. सो आंसर इज 411. नेक्स्ट 9 में से 6 किया कट तो आंसर इज 3. 9 में से 8 कट किया तो आंसर इज 1. एंड 5 में से 4 कट किया तो आंसर इज 1. सो द टोटल आंसर इज 113. सो डू दीज क्वेश्चंस योर सेल्फ, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस देम. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग. कैसे हम
जो है हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम दूसरे से मांग सकते हैं, मांगने को ही हम कहते हैं बोरोइंग। तो हमारे पास कम नंबर है तो हम क्या करेंगे, अपने दूसरा हमारा जो दूसरा पार्टनर है उससे हम एक नंबर बोरो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर दिया है 50, जिसमें से 26 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हमने क्या अभी सीखा था कि पहले वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर टेंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वंस प्लेस पे यहाँ जीरो है तो क्या जीरो में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही कुछ भी नहीं है, मीन जीरो है, तो क्या मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? नो। तो ये क्या करेगा, जीरो ये जीरो जाएगा 5 के पास, 5 इसका पार्टनर है। तो 5 से इसने कहा कि प्लीज गिव मी 1, तो 5 जो है अग्री हो गया, 5 ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो 5 ने जब 0 को 1 दिया तो 5 के पास क्या बचा, 4। 5 थे उसके पास 1 दे दिया तो कितने बचे, 4। तो 5 के पास बच जाएगा 4 और ये जो 0 है ये बन जाएगा 10, क्योंकि यहाँ से एक 1 जो है 0 के पास आया तो वो 1 हम इस 0 से पहले लगाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 10। अब आपसे कोई कहेगा क्या आपके पास 10 है उसमें से 6 मुझे दे सकते हो, तो आप कहोगे हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो 10 टॉफ़ीज हैं। तो आपने उसमें से 6 टॉफ़ीज दे दी, कितनी बची, 4। अब क्योंकि 5 के पास 4 बचा था, अब इस 4 में से हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जब हमने 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया आंसर इज 2, सो टोटल आंसर दैट बिकम्स इज 224। नाउ चिल्ड्रन लेट्स सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। सो यहाँ पे पहला नंबर है 73 एंड 58 को 73 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले वंस प्लेस को देखेंगे, वंस प्लेस पे है 3 और 8, तो 3 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हम 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। तो अब 3 क्या करेगा, 7 के पास जाएगा अपने पार्टनर के पास और उससे कहेगा प्लीज़ गिव मी 1। सो अब 7 ने जब 3 को 1 दे दिया तो 7 के पास बचा 6 और 3 के पास क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा 13। एंड अब हमें क्या करना है, 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो जब हम पहले हम 13 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसमें से 8 लाइंस को हम कट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कट कर दिया, कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5 कितने बचे, 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो आप 6 में से 5 को कट करो, तो आपके पास 6 चीज़ें हैं उसमें से 5 को आपने कट कर दी, कितनी बची, 1। सो लेट्स राइट हियर 1। सो व्हाट इज आंसर, आंसर इज 1, 5, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 3 है जिसमें से 4 को कट करना है, तो क्या हम 3 में से 4 को कट कर सकते हैं, नो। तो अब जो है ये 3 क्या करेगा, 6 के पास जाएगा, तो 6 ने इसे दे दिया तो 6 के पास बचा 5 और 3 बन गया 13। अब इस 13 में से हमें क्या करना है, 4 को कट करना है, तो जब हमने 4 को कट किया तो आंसर आ गया 9। आपको 13 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसमें से 4 लाइंस को कट कर देना है। नेक्स्ट, अब 5 है आपके पास यहाँ बचे हुए, 5 में से 1 को कट करना है, कितने बचे, 4। सो 49 इज द आंसर। सिमिलरली 7 में से 9 कट हो सकते हैं क्या, नो, क्योंकि 7 तो एक स्मॉलर नंबर है, तो 7 ने 5 से बोरो किया 1, तो 5 के पास बचा 4 और 7 बन गया 17। अब इस जो है 17 में से हम क्या करेंगे, 17 में से हम जो है 9 को कट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट हियर इज 8। नेक्स्ट, अब 4 में से हमने क्या किया, 3 को कट किया, तो 4 है हमारे पास जिसमें से 3 कट करेंगे तो आंसर विल बी 1, 1, 8, 18। नेक्स्ट इज 6, अब 6 ने क्या किया, 3 के पास गया क्योंकि 6 में से 7 नहीं कट सकता है, तो 3 ने जो है 1 दिया तो 3 के पास बचा 2 और 6 बन गया 16। तो 16 में से अब हम क्या करेंगे, 7 को
कट करेंगे. सो क्या आंसर आ जाएगा? 9. एंड यहाँ पे जब 2 है, 2 में से 2 को कट किया, क्या बचा? कुछ भी नहीं. तो हियर इट विल कम 0. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें 46 में से 39 को कट करना है. तो हमने क्या किया? 6 में से 9 कट हो सकता है क्या? नो. तो 6 ने क्या किया? 4 से बोरो किया, तो 4 के पास बचा 3 एंड 6 बन गया 16. अब इस 16 में से हम क्या करेंगे? 9 को कट करेंगे. सो जब हमने 9 को कट किया, वी गेट 7 एज आंसर. एंड यहाँ पे 3 है, अब 3 में से 3 को कट कर देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0. सिमिलरली 4 में से 8 क्या कट हो सकता है? नो. तो 4 ने 7 से बोरो किया, तो 7 बन गया 6 और 4 का बन गया 14. तो अब जो है 14 में से हमने क्या किया? 8 को कट कर दिया. तो जब 8 को कट किया तो आंसर विल बी 6 हियर. नेक्स्ट, अब 6 में से जब हम 4 कट करेंगे, आंसर विल बी 2, 26. इट्स आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर. आपको सबको समझ में आ रहा है. सो इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर, दीज क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट, दिस इज योर होमवर्क. ये जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है. ऐसे ही हमें बोरो करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो द रेस्ट क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. Now let's learn subtraction of 3-digit number with borrowing. तो borrowing के साथ हम जो है यहाँ पे 3-digit numbers को subtract करेंगे. तो अभी तक हम 2-digit number को करे थे, अब हम 3-digit number करेंगे. Same process है, हमें पहले ones को करना है, फिर tens को करना है और फिर 100 को subtract करना है. तो यहाँ पे आप देखो, पहला example दिया है 743 में से 527 को subtract करना है. तो वंस प्लेस पे है 3 और 7, तो 3 में से 7 को हम कट नहीं कर सकते. तो इस 3 ने क्या किया? ये 4 के पास गया और इससे बोला 4 से कि प्लीज़ गिव मी 1. तो 4 ने जब 3 को 1 दिया, तो 4 के पास बचा 3 और 3 बन गया 13. अब इस 13 में से जब हमने 7 कट किया तो आंसर आया 6. अब 3 में से 2 कट किया तो आंसर आया 1 एंड 7 में से 5 कट किया तो आंसर आया 2. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 में से क्या 7 कट कर सकते हैं? नो. सेम थिंग हैपन हियर. तो अब 3 कहाँ जाएगा? 0 के पास जाएगा. ओ, 0 के पास तो पहले ही 0 है, उसके पास तो पहले से ही कुछ नहीं है. अब क्या करेगा 0? 0 ने बोला 3 को कि प्लीज़ अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए कहीं से कुछ लेके आता हूँ. तो अब 0 चला गया 9 के पास और 9 से उसने कहा कि प्लीज़ गिव मी 1. तो 9 ने कहा हाँ, मेरे पास तो 9 है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ. तो 9 ने जब 1 दे दिया तो 9 के पास बचा 8 और 0 के पास बन गया 1, 0, 10. अब क्योंकि 3 0 के घर पे बैठा हुआ, तो आप जो 0 1 लेके आया तो 0 10 बन गया. अब इस 10 ने क्या किया? इसने बोला 3 से कि हाँ, मेरे पास अब तो 10 हो चुके हैं, तो चलो जल्दी से मैं तुम्हें क्या देता हूँ? 1 दे देता हूँ. तो अब इस 10 ने जब 3 को 1 दिया तो ये बन गया 9 और 3 बन गया 13. अब हम क्या करेंगे? इस 13 में से जब 7 को कट करेंगे तो आंसर विल बी 6. अब यहाँ पे इस 10 को नहीं देखना, हमें क्या देखना है? 9 को, क्योंकि इस 10 ने 1 दे दिया था. तो कितना बचा था 10 के पास? 9. तो इस 9 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब हम 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 8. एंड यहाँ पे जो 8 है, अब इस 8 में से हम करेंगे 5 को सब्ट्रैक्ट, सो वी विल गेट 3 एज द आंसर. सो द फाइनल आंसर इज 386. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, 4 में से 5 क्या कट हो सकता है? नो. तो अब 4 ने क्या किया? फिर से गया वो 0 के पास. ओ, यहाँ तो फिर से कुछ नहीं है. अब 0 ने क्या किया? ये गया 7 के पास और 7 से 1 बोरो करके लेके आया. तो 7 के पास बचा 6 और 0 बन गया 10. अब इस 10 ने क्या किया? 4 को दे दिया 1. तो 10 का हो गया 9 और 4 हो गया 14. अब इस 14 में से हम क्या करेंगे? 5 को कट. तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर बचे? जब हमने 14 में से
5 को कट किया तो वी गेट 9 एज अ नंबर. नेक्स्ट, अब 9 में से 3 को कट करना है तो 9 में से 3 कट करेंगे तो वी विल गेट 6 एज आंसर. सिमिलरली 6 में से 3 कट करेंगे वी विल गेट 3. इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? नेक्स्ट इज 1 में से 4 कट करेंगे क्या हो सकता है? नो. तो 1 ने अगेन यहाँ से मांगा, ओ यहाँ तो फिर से 0 आ गया. तो चलो अब ये 0 फिर से जाता है 5 के पास. 5 ने 0 को 1 दे दिया तो 5 के पास बचा 4. और यहाँ पे इस 0 के पास बन गया 10. अब इस 10 में से हमने 1 को उधारी दे दी तो 10 बन गया 9 एंड 1 बन गया 11. अब इस 11 में से हम क्या करेंगे? 4 को कट. तो जब हमने 11 में से 4 को कट किया वी गेट 7 एज आंसर. सिमिलरली 9 में से 3 कट किया हमने तो 6 आंसर आया एंड 4 में से 1 कट किया तो 3 इज द आंसर. आई होप इट्स क्लियर चिल्ड्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 5 में से 6 कट करना है, नहीं हो सकता. तो 5 ने 0 से बोरो मांगा, ओके 0 के पास कुछ भी नहीं है. अब 0 ने 6 से बोरो मांगा तो 6 के पास बचा 5 एंड 0 के पास हो गया 10. एंड अब इस 10 ने जब 1 दे दिया तो बन गया 9 और ये हो गया 15. अब हम क्या करेंगे? 15 में से जो है कट करेंगे 6. तो जब हमने 15 में से 6 को कट किया सो हमने आंसर मिला हमें 9. नेक्स्ट, अब 9 में से हम 5 को कट करेंगे, आंसर विल बी 4. और 5 में से 4 को कट करेंगे, आंसर विल बी 1. सो द फाइनल आंसर इज 149. सिमिलरली अब यहाँ पे देखते हैं, 5 में से 9 नहीं कट हो सकता. तो 5 ने 0 से बोरो किया, वहाँ पे कुछ नहीं है. अब 0 गया 8 के पास बोरो करने तो 8 बन गया 7. 0 बन गया 10. अब 10 ने दे दिया 1 तो बन गया 9 और 5 बन गया 15. सो यहाँ पे 15 है जिसमें से हमने 9 को कट किया तो आंसर आया 6. नेक्स्ट, 9 में से 8 को कट करेंगे, आंसर विल बी 1. एंड 7 में से 1 को कट किया सो आंसर विल बी 6. सो द टोटल आंसर इज 616. सो चिल्ड्रेन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग. सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट हियर एंड हियर इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू एट योर होम. Now let's learn 4-digit subtraction without carrying. 4-digit subtraction हम learn करेंगे बिना carrying के. So कैसे हम subtract करते हैं 4-digit numbers को? Same thing is to be done. जैसे हम पहले ones को subtract करते थे उसे करेंगे, फिर tens तक जाएंगे, फिर 100 तक जाएंगे और फिर जाएंगे हम 1000 level पे. For example, children यहाँ पे एक example दिया है, 2719 को subtract करना है 3989 में से. तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है ये ऊपर लिखेंगे और ये छोटा नंबर है इसे नीचे लिखेंगे. तो जब हमने इन दोनों नंबर्स को लिखा यहाँ पे तो 9 में से 9 को कट किया 0 आया, 8 में से 1 को कट किया 7 आया, 9 में से 7 को कट किया 2 आया एंड 3 में से 2 को कट किया 1 आया. तो आंसर क्या है? 1270. सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स. जब हमने 1 में से 1 को कट किया तो आंसर आया 0. इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? नेक्स्ट, 3 में से 0 कट करेंगे. जब हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर आता है सो आंसर विल बी 3. 5 में से 5 को कट किया तो आंसर इज 0. 5 में से 5 को कट कर दिया, आंसर इज 0. एंड अगेन 8 में से 4 को कट किया तो आंसर विल बी 4. सो व्हाट इज आंसर? 4030. नेक्स्ट नंबर है 2 में से 0 कट करेंगे 2 इज द आंसर. 1 में से 0 कट करेंगे 1 इज द आंसर. 6 में से 1 कट करेंगे तो 5 इज द आंसर. 4 में से 2 कट करेंगे तो 2 इज द आंसर. सो द आंसर इज 2512. नेक्स्ट है 6 में से 4 कट करेंगे तो 2. 1 में से 1 कट करेंगे तो आंसर आएगा 0. अगेन 6 में से 0 कट करेंगे तो 6 विल बी द आंसर. एंड 9 में से हम कट करेंगे 5 तो वी विल गेट
4 as the answer. So, our final answer is 4602. Similarly, let's do this one. 3 minus 2 is 1. 4 minus 4 is 0. 6 minus 4 is 2. And 7 minus 6 is 1. Now, next number आ गया. अब यहाँ पे 0 में से 0 कट करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. 0. 6 में से 4 कट करेंगे तो क्या बचेगा? 2. ओके, अब यहाँ पे आ गया 0. तो क्या इस 0 में से 7 को कट कर सकते हैं? नो. तो अब ये क्या करेगा? 0 जाएगा 4 के पास. 4 से इसने लिया बोरो. तो 4 का बन गया 3 और ये 0 बन गया 10. तो 10 में से 7 कट कर सकते हैं? यस. क्या आंसर आएगा? 3. अब ये जो बचा हुआ 3 है, नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इस 3 को ऐसे ही हम नीचे लिख लेंगे. सो आंसर क्या हो जाएगा? 3320. क्लियर चिल्ड्रेन? नेक्स्ट नंबर, 7 में से 0 कट किया, 7. 8 में से 2 कट किया, तो वी गेट 6. 6 में से 1 कट किया, वी गेट 5. And 3 में से 1 कट किया, वी गेट 2. सो द आंसर इज 2567. नेक्स्ट, 4 में से 2 कट करेंगे, वी विल गेट 2. 5 माइनस 2 विल बी 3. ओके, 0 में से क्या 4 कट सकता है? नो. तो 0 ने 1 से बोरो किया, तो 1 का हो गया 0 और ये 0 बन गया 10. तो 10 माइनस 4 इज 6. सो द आंसर इज 632. नेक्स्ट, 9 माइनस 5 इज 4. 2 माइनस 0 इज 2. 5 माइनस 1 इज 4. एंड 6 माइनस 4 इज 2. सो द आंसर इज 2424. नेक्स्ट, 8 माइनस 4 इज 4. 8 माइनस 6 इज 2. 8 माइनस 5 इज 3. And here is 1. So the answer is 1324. Similarly, children, you have to do these questions yourself and these remaining questions yourself. It's for your practice. Next topic that we are going to learn is 4-digit subtraction with regrouping. So, kaise hum 4-digit numbers ko subtract karte hain regroup karke. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल दिया गया है. 8162 में से हमें 3678 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर्स को कॉलम्स में हम लिख लेंगे, देन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अब 2 में से 8 कट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? 2 विल बोरो फ्रॉम 6. तो 6 से बोरो किया, 6 के पास बचा 5 एंड 2 बन गया 12. जब हमने 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 4. अब क्योंकि यहाँ पे 5 था, तो 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो अब इस 5 ने क्या किया? 1 से बोरो किया 1 नंबर, तो 5 बन गया 15. जब हम अब यहाँ पे 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट नंबर 8. Now, अब क्योंकि यहाँ पे 1 ने जब 5 को 1 दे दिया, तो 1 के पास हो गया 0. तो क्या 0 में से 6 कट सकता है? नो. तो अब 0 ने क्या किया? 8 से बोरो किया 1, तो 8 ने दिया, तो 8 के पास बचा 7 और ये 0 बन गया 10. अब 10 में से 6 को कट किया, वी गेट 4. एंड अगेन 7 में से 3 कट किया, वी गेट 4. सो द आंसर इज 4474. So, I hope it's clear, children. Now, let's subtract the following numbers. यहाँ पे कुछ numbers दिए गए हैं. चलिए इन्हें subtract करते हैं. So, children, here the first number is 2 में से हमें 7 को subtract करना है. तो क्या ये ऐसा हो सकता है? No. तो अब क्या किया? 2 ने 6 से borrow किया, तो 6 के पास बचा 5 and 2 बन गया 12. अब इस 12 में से हमने 7 को subtract किया. So, the answer is 5 here. 5 में से क्या 5 कट हो सकता है? Yes. तो हमने 5 में से 5 कट किया, we get 0 here. Similarly, 5 में से 3 को क्या हम कट कर सकते हैं? Yes. तो answer will be 2. And 1 में से क्या 1 को हम subtract कर सकते हैं? Yes. Answer will be 0. So, what is the final answer? 2000.
सॉरी 205. नेक्स्ट 4 में से क्या 3 कट हो सकता है? यस, आंसर इज 1. नाउ क्या 7 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, आंसर इज 4. 5 में से क्या 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, आंसर इज 4. 3 में से क्या हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, आंसर इज 1. सो द फाइनल आंसर इज 1441. नेक्स्ट क्या 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा? यस, आंसर विल बी 5. हियर अगेन 5, हियर विल बी 3 एंड हियर विल बी 0. क्लियर चिल्ड्रेन? नेक्स्ट आप क्या 0 में से 5 कट सकता है? नो. तो अब 0 ने 2 से बोरो किया तो यहाँ पे बचा 1 एंड ये 0 बन गया 10. सो 10 माइनस 5 विल बी 5 एंड 1 में से क्या 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. तो 1 ने क्या किया, 2 से बोरो किया तो 2 के पास अगेन यहाँ 1 बचा और ये 1 बन गया 11. सो 11 में से अब हम क्या करेंगे, 8 को सब्ट्रैक्ट. सो वॉट आंसर विल गेट? 3. अगेन अब यहाँ 1 में से क्या 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. तो अब इस 1 ने क्या किया, 9 से एक बोरो किया तो 9 के पास बचा 8, ये 1 बन गया 11. नाउ 11 माइनस 8 इज अगेन 3 एंड 8 माइनस 7 इज 1. सो द फाइनल आंसर इज 1335. सिमिलरली 2 में से 8 कट नहीं होगा तो 2 ने जो 7 से बोरो किया तो बच गया 6, 2 बन गया 12, 12 माइनस 8 इज 4. नाउ 6 माइनस 4 इज 2. 1 में से क्या 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. सो 1 ने बोरो किया तो 1 हो गया 11 और ये बन गया 6. अब 11 में से हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 8 एज द आंसर. सिमिलरली 6 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 5 एज द आंसर. सो द फाइनल आंसर इज 5824. So like this children, you have to do these remaining questions as I have told you. These are for your practice. So practice them. Now let's move on to the 4-digit subtraction word problem. कैसे हम करते हैं word problems को solve जो 4-digit के हैं. So there are 3,416 people. तो इतने लोग हैं. एट अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच देखने के लिए गए हैं. 1,724 लोगों ने वहाँ से क्या किया, ग्राउंड को लीव कर दिया, वहाँ से चले गए. सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. पूछ रहा है कि कितने लोग वहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं. तो 6 में से 4 कट किया, वी गेट 2. अब यहाँ पे 1 है तो 1 से जो है 2 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 1 का बन गया 11 और 4 बन गया 3. अब 11 में से हम करते हैं 2 को सब्ट्रैक्ट. तो जब हमने 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 9 एज आंसर. अब क्या 3 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो. तो अब 3 ने अगेन 3 से बोरो किया तो 3 के पास बचा 2 और ये 3 बन गया 13. अब इस 13 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड वी गेट 6 एज द आंसर. नेक्स्ट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 1 एज आंसर. सो द आंसर इज 1692. सिमिलरली कैप्टन इज डूइंग अ 1500 पीस जिग्सॉ पजल. तो कैप्टन जो क्या कर रहा है, जिग्सॉ पजल सॉल्व कर रहा है. उसमें कितने पीसेस हैं? 1500 पीसेस. ही हैज पुट टुगेदर 784 पीसेस. इतने पीसेस को उसने अभी तक लगा दिया है. हाउ मेनी मोर पीसेस टू कंप्लीट द पजल. कितने और पीसेस की जरूरत है इस पजल को कंप्लीट करने के लिए. सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स को. तो 0 में से 4 कट नहीं होगा तो 0 ने 0 से बोरो किया, उसके पास भी कुछ नहीं है. अब ये 0 गया 5 के पास, उससे बोरो किया तो 5 के पास बचा 4, इसके पास हो गया 10. अब ये जो टेंथ प्लेस का 0 है, जो 10 बन गया है, इसने क्या किया, 1 प्लेस के 0 को 1 दे दिया तो इसके पास बचा 9 और ये बन गया 10. सो 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 8 इज 1. 4 में से क्या 7 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. तो 4 ने 1 से बोरो किया, 4 बन गया 14. सो 14 माइनस 7 इज 7. सो द आंसर इज 716. I hope this is clear, children. So this question is your homework. You have to do yourself. And these three questions are also your
homework. So do these questions yourself, and I hope you will be able to do it because we have learned so much in subtraction. So I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.